इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि कोई ऐसे इंसान या कोई ऐसा प्रोफेशन जिससे हमें बहुत ज्यादा नफरत होती है और जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है कि हमें उसी शख्स से मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की, जिसमें जरनाब को इकबाल मुन्ना से मोहब्बत हो जाएगी। इकबाल मुन्ना तो ऑलरेडी उसे पसंद करने ही लगा है, लेकिन अब जरनाब के भी दिल में उसके लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। जरनाब ने जब इकबाल मुन्ना को थप्पड़ मारा, अब उसने जैसे ही थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन सामने था एक गली का गुंडा जिसकी दहशत हर तरफ फैली हुई है। और इस तरह के गुंडे को जाकर जब एक आम लड़की हो या एक जर्नलिस्ट हो या कोई भी लड़की हो जाकर थप्पड़ मारे, लड़की क्या लड़का भी हो, लेकिन सामने से वो गुंडा उसे बंदूक दिखाकर डराने की जगह या बंदूक का फायर करने की जगह आगे से सॉरी बोले, आई एम सॉरी, और उसके सामने शर्मिंदा हो और अपनी नजरों को झुका ले, तो ऐसे में जरनाब के दिल में मुन्ना के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। वो सोते वक्त इस वाकये को अच्छे से याद करती है। अब जरनाब ये सब सोच रही है कि वो इंसान जो मुझे उठा कर ले जा सकता था, मेरे घर हमला करवा सकता था या मुझे गोली मार सकता था, उस इंसान ने मुझसे सॉरी क्यों कहा, क्या कोई गुंडा ऐसा भी हो सकता है। इन सब बातों की वजह से जरनाब के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन जाता है इकबाल मुन्ना के लिए। और सेकंड चीज हमने ये देखी कि इकबाल मुन्ना को शुरू के पहले दो एपिसोड में ही ये एहसास हो गया कि इस प्रोफेशन में तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसीलिए वो जाकर रहमती से कहता है प्रोफेशन चेंज करना है। तो इस बातों की वजह से रहमती तो उसका दुश्मन हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जिसको इकबाल मुन्ना की गोली की आवाज सुन के ही हार्ट अटैक हो गया था, वो भी इसके पीछे पड़ जाएगा। और रही सही कसर, जरनाब का मंगेतर पूरी कर देगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि ये गुंडा मेरी मंगेतर के पीछे है तो वो भी इसका दुश्मन बन जाएगा। आने वाले दिनों में ये ड्रामा सबके दिल की धड़कन बनने वाला है। वेल, इश्क मुर्शद का जितना ट्रेंड चला था, लेकिन वो इतना ही बोरिंग हो गया था, लेकिन इकबाल मुन्ना और जरनाब की लव स्टोरी के हम सब यकीनन फैंस हो जाएंगे। वेल, आगे भी इस ड्रामे में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे मजे के सीन्स और स्टोरीज हमें देखने को मिलेंगी। इस ड्रामे को देखने के लिए देखते रहिए जेंटलमैन ड्रामा ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, एंड रिव्यूज देखने के लिए देखते रहिए मिस फन फैन।